जी हाँ दोस्तों, लखनऊ सुपर जॉइंट्स के खिलाफ गुजरात टाइटंस के कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया है, लेकिन गुजरात के लिए नूर अहमद ने डेब्यू किया है। तो दोस्तों, आज के इस मैच में गुजरात टाइटंस ने 7 रन से ये जो मैच जीता है उसकी कंप्लीट जानकारी हम आपको देते हैं। किस तरह से जो अंतिम ओवर में मोहित शर्मा है, किस तरह से जादूगर साबित हुए, किस तरह से 4-4 विकेट अंतिम ओवर में मोहित शर्मा ने निकाले और अपनी टीम को विजय बना दिया, अपनी टीम को हारा हुआ मैच उसके हाथ में ले जाके डाल दिया। जैसे ही कप्तान यहां पे हार्दिक पांड्या ने अपने सलामी और खूंखार बॉलर मोहित शर्मा के ऊपर विश्वास जताया, तो मोहित शर्मा ने बॉल का वजन उठाया और बॉल को जैसे ही गिराया, यहाँ पे 4-4 विकेट उन्होंने अंतिम ओवर पे लेके कप्तान हार्दिक पांड्या के हाथों में दे दिए। तो बस बने रहिएगा आप हमारी इस वीडियो में अंत तक, हम देते हैं आज के इस मैच की कंप्लीट जानकारी। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। गुजरात टाइटंस की जब बल्लेबाजी शुरू हुई तो गुजरात टाइटंस की तरफ से शुभमन गिल और रिद्धिमान शाह की सलामी जोड़ी क्रीज पर आ चुकी थी, लेकिन गुजरात टाइटंस का दोस्तों पहला विकेट गिरा तो 4 रन के स्कोर पर, जी हां दोस्तों, महज 4 रन के स्कोर पर गुजरात टाइटंस का पहला विकेट गिर चुका था और शुभमन गिल खाता खोले बिना पवेलियन लौट चुके थे। उन्होंने 2 गेंदों का सामना किया और कृणाल पांड्या ने उन्हें रवि बिश्नोई के हाथों कैच कराया। और हम बता देते हैं आपको कि अब रिद्धिमान साहा के साथ हार्दिक पांड्या क्रीज पर आ चुके थे। हार्दिक और साहा ने संभाली थी गुजरात की पारी, लेकिन उसके बाद में पावर प्ले के बाद गुजरात का स्कोर 40 रन, जी हाँ दोस्तों, 40 रन के स्कोर पे 1 विकेट था। ठीक उसी प्रकार जब गुजरात का स्कोर 50 रन पहुंचा तो 1 विकेट के नुकसान पर 50 रन पहुंच चुका था। हार्दिक और साहा के बीच अर्धशतक की साझेदारी जरूर हुई, लेकिन जब गुजरात का दूसरा विकेट गिरा तो 72 रन के स्कोर पर गुजरात टाइटंस ने अपना दूसरा विकेट खो दिया और रिद्धिमान साह 37 गेंदों में 47 रन बनाकर आउट हो चुके थे। लेकिन गुजरात टाइटंस का जैसा ही तीसरा विकेट गिरा तो 77 रन के स्कोर पर गुजरात टाइटंस का तीसरा विकेट गिर चुका था और अभिनव मनोहर 5 गेंदों में 3 रन बनाकर आउट हो चुके थे। जी हाँ दोस्तों, अब हम आपको बता देते हैं कि अमित मिश्रा ने उन्हें नवीन उल हक के हाथों कैच करा दिया था और कप्तान हार्दिक पांड्या के साथ विजय शंकर क्रीज पर थे। जैसे ही गुजरात टाइटंस का चौथा विकेट गिरा, 92 रनों के स्कोर पर गुजरात टाइटंस का चौथा विकेट गिरा। विजय शंकर 12 गेंदों में 10 रन बनाकर आउट हो चुके थे और नवीन उलहक ने उन्हें क्लीन बॉल्ड किया था। या दोस्तों, गुजरात का स्कोर जब 100 रन के पार पहुँचा तो हम आपको बता देते हैं कि 4 विकेट के नुकसान पर गुजरात टाइटंस का स्कोर जब 100 रन के पार पहुँचा तब कप्तान हार्दिक पांड्या और डेविड मिलर क्रीज पर थे। हार्दिक अपने अर्धशतक के करीब जरूर पहुंच गए थे, वहीं डेविड मिलर अभी क्रीज पर नहीं आए थे। हालांकि ये जोड़ी अंत के ओवरों में तेजी से रन बनाकर अपने टीम को अच्छे स्कोर तक ले जाना चाहती थी, लेकिन हार्दिक पांड्या का जैसे ही अर्धशतक, जहां दोस्तों हार्दिक पांड्या ने 44 गेंदों में अर्धशतक पूरा कर लिया था और उन्होंने इस मैच में बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की, मुश्किल पिच पर हार्दिक अपने स्वभाव के विपरीत खेले और टीम को अच्छे स्कोर की तरफ लेकर जा रहे थे। 18वें ओवर के बाद गुजरात का स्कोर 4 विकेट पर 121 रन था, लेकिन गुजरात का जब 5वां विकेट गिरा, हम आपको बता देते हैं कि 132 रन के स्कोर पर गुजरात टाइटन्स का 5वां विकेट गिरा। जी हाँ दोस्तों, कप्तान हार्दिक पांड्या 64 रन बनाकर आउट हो चुके थे और मार्कस स्टोइनिस ने उन्हें कप्तान राहुल के हाथों कैच कराया। मिलर के साथ तेवतिया क्रीज पर आए, लेकिन गुजरात ने 6 विकेट पर 135 रन बनाए। जी हां दोस्तों, पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात की टीम ने 6 विकेट पर 135 रन बनाए और गुजरात के लिए सबसे ज्यादा रन कप्तान हार्दिक पांड्या ने 66 रन बनाए। उसके अलावा रिद्धिमान साह ने 47 रन की शानदार पारी खेली। उन दोनों के अलावा विजय शंकर ने 10 रन की दहाई का आंकड़ा छू पाए। शुभमन गिल अपना खाता भी नहीं खोल सके। वहीं अभिनव मनोहर 3 और डेविड मिलर 6 रन बनाकर आउट हो चुके थे। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं लखनऊ की बल्लेबाजी जब शुरू हुई तो 136 रनों का पीछा करते हुए लखनऊ सुपर जॉइंट्स की बल्लेबाजी शुरू हो चुकी थी और हम आपको बता देते हैं कि कप्तान लोकेश राहुल, जी हां दोस्तों, कप्तान लोकेश राहुल और कायल मेयर्स की जोड़ी क्रीज पर थी।
दोनों बड़ी साझेदारी कर अपनी टीम को लक्ष्य के करीब ले जाना चाहते थे। गुजरात के लिए मोहम्मद शमी ने पहला ओवर किया, उन्होंने मैडन ओवर के साथ शुरुआत की, लेकिन लखनऊ की अच्छी शुरुआत जरूर देखने को मिली। 136 के रन के स्कोर का पीछा करते हुए लखनऊ की टीम ने अच्छी शुरुआत की और कप्तान राहुल और काइल मेयर्स अच्छी लय में दिख रहे थे और दोनों अच्छी गति से रन बना रहे थे और अपनी टीम को बेहतर स्थिति में ले जा रहे थे। लेकिन चार ओवर में इस टीम ने कोई विकेट नहीं खोया था और 30 रन भी बना लिए थे। लेकिन हम आपको बता देते हैं कि लखनऊ का स्कोर जब 50 रन के पार पहुंचा तो लखनऊ सुपर जॉइंट्स का स्कोर बिना किसी नुकसान के 50 रन के पार पहुंच चुका था। कप्तान लोकेश राहुल और काइल मेयर्स दोनों क्रीज पर थे, दोनों अच्छी लय में दिख रहे थे और तेज गति से रन बना रहे थे। इन दोनों के बीच पहले विकेट के लिए हुए अर्धशतकीय साझेदारी ने लखनऊ की टीम को मैच में काफी आगे कर दिया था। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता देते हैं कि पावर प्ले के बाद लखनऊ का स्कोर बिना किसी नुकसान के 53 रन था। लखनऊ का जब पहला विकेट गिरा, जी हाँ दोस्तों, यहां से शुरू हुई बाजी। लखनऊ का जब पहला विकेट गिरा तो महज 55 रनों के स्कोर पर लखनऊ की टीम का पहला विकेट गिर चुका था और काइल मेयर्स 19 गेंदों में 24 रन बनाकर आउट हो चुके थे। राशिद खान ने उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया। इसके बाद लखनऊ का जब स्कोर 80 रन के पार पहुंचा तो एक विकेट के नुकसान पर लखनऊ की टीम का स्कोर 80 के पार जा चुका था। कप्तान लोकेश राहुल और कृणाल पांड्या के बीच शानदार साझेदारी हो चुकी थी, दोनों ने अपनी टीम को बेहतर स्थिति में पहुंचा दिया। राहुल अपने अर्धशतक के करीब पहुंच गए और 10 ओवर के बाद लखनऊ का स्कोर एक विकेट पर 80 रन था। जी हां दोस्तों, लोकेश राहुल का जब अर्धशतक लगा तो लोकेश राहुल ने 38 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था। उन्होंने अपनी पारी में 8 चौके लगाए और अपनी टीम को जीत के दहलीज पर ले जा चुके थे। उसके साथ कृणाल पांड्या ने शानदार साझेदारी की और लखनऊ के लिए यह मैच जीतना बेहद आसान हो गया था। लेकिन हम आपको बता देते हैं कि 13 ओवर के बाद लखनऊ का स्कोर एक विकेट पर 98 रन था। जी हां दोस्तों, लखनऊ का जब स्कोर 100 रन के पार पहुंचा तो एक विकेट के नुकसान पर लखनऊ का स्कोर 100 रन के पार जा चुका था। लेकिन मैच में जो अनोखी बाजी थी वो अब देखने को मिलेगी दोस्तों आपको, जब विकेट के विकेट, विकेट के ऊपर विकेट, विकेट के ऊपर विकेट और ऐसी विकेटों के विकेट ऊपर विकेट देखने को शायद आज से पहले आपको नहीं मिली। शायद ऐसा जीता हुआ मैच आज से पहले किसी ने नहीं हारा और ऐसा हारा हुआ मैच आज से पहले किसी ने नहीं जीता। बस बने रहिएगा आप हमारी इस वीडियो में अंत तक, जब लखनऊ का दूसरा विकेट गिरा, यहां से होती है पारी की शुरुआत। जी हां दोस्तों, 106 रन के स्कोर पर लखनऊ सुपर जॉइंट्स का दूसरा विकेट गिर चुका था और कृणाल पांड्या 23 गेंदों में 23 रन बनाकर आउट हो चुके थे। जी हां दोस्तों, लखनऊ का तीसरा विकेट जब गिरा तो 110 रन के स्कोर पर लखनऊ का तीसरा विकेट गिरा और निकोलस पूरन 7 गेंदों में 1 रन बनाकर आउट हो चुके थे। लखनऊ का जब चौथा विकेट गिरा तो महज 126 रन के स्कोर पर ही लखनऊ का चौथा विकेट गिरा। कप्तान लोकेश राहुल 61 गेंदों में 68 रन बनाकर आउट हो चुके थे और मोहित शर्मा ने उन्हें जयंत यादव के हाथों कैच करा दिया था। अब लखनऊ की टीम मुश्किल में फंस गई थी और यहां से जब लखनऊ की टीम मुश्किल में फंसी तो वापस उभर पाने में कामयाब नहीं हो पाई। अब लखनऊ का जब पांचवा विकेट गिरा तो महज 126 रनों पर ही उसका पांचवा विकेट गिर चुका था और मार्कस स्टोइनिस पहली ही गेंद पर बिना खाता खोले आउट हो चुके थे। मोहित शर्मा ने उन्हें डेविड मिलर के हाथों कैच करा दिया था। यहां पे लखनऊ का छठा विकेट गिरा 127 रन के स्कोर पर ही और लखनऊ का जब सातवा विकेट गिरा 128 रन के स्कोर पर ही दीपक हुड्डा भी दो गेंद में दो रन बनाकर आउट हो चुके थे। अब हम आपको बता देते हैं दोस्तों कि गुजरात के कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला लिया था और लखनऊ की नज़र इस मैच को जीतकर अंक तालिका में शीर्ष पर पहुंचने की थी। लेकिन दूसरी ओर पिछले मैच में राजस्थान के खिलाफ हारने वाली गुजरात टाइटंस भी जीत की पटरी पर लौटना चाहती थी। तो कुल मिला के बात यह है कि दोस्तों आज इस मैच को यहाँ पे गुजरात टाइटंस ने, जी हाँ दोस्तों, गुजरात टाइटंस ने जीत लिया है और 7 रन से जीत लिया है। गुजरात ने लखनऊ को 7 रन से हरा दिया है और आखिरी ओवर में 30 रन नहीं बना पाई राहुल की टीम। जी दोस्तों, आखिरी 5 ओवरों की बात करें तो राहुल की टीम 5 ओवर में 30 रन नहीं बना पाई। तो दोस्तों ये था आज का मैच।
आज का मैच ऐसा उमदा मैच था जिसमें कि आज से पहले आपको ऐसा मैच नहीं देखने को मिला, जहां पे अंतिम ओवर में केवल और केवल 10 रनों की जरूरत थी। जहां पे हम आपको बता देते हैं दोस्तों कि मात्र एक ही ओवर में 4-4 विकेट आज लखनऊ सुपर जॉइंट्स ने खो दिए, जिसकी बदौलत यहां पे हारा हुआ मैच, जी हां दोस्तों, गुजरात टाइटंस ने हारा हुआ मैच जीत लिया है। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि आप हमारे चैनल पे नए हो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा।